बहुत आपने सुना है, थोड़ा सा याद रखिए, थोड़े में थोड़ा याद रखिए, उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। मनन पूर्वक यदि आपने अपनी बुद्ध की तिजोरी में एक भी शब्द रूपी रत्न रखने का प्रयत्न किया तो आप बहुत धनी होंगे, बड़े संपन्न होंगे, कंगालियत मिट जाएगी। गरीब बाहर से भले रहे पर भीतर से बादशाहत का अनुभव करेंगे, लेकिन कब? जब अहंकार मिट जाए, जब समर्पण आ जाए, जब शरणागति आ जाए। शरणागति कैसे आएगी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक ही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो कव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पूजा इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।